देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 4 शुरू करने वाले हैं। कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण, ये अध्याय आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा नया अध्याय का आज से शुभारंभ हो रहा है। 3 अध्याय हमने अभी तक क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण। और हमारा जो अध्याय होता है द्विघात समीकरण वाला, ये अध्याय मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे त्रैमासिक में भी आएंगे, अर्धवार्षिक के लिए भी और प्री बोर्ड के लिए भी और वार्षिक के लिए भी पूरे इंपोर्टेंट सवाल यहाँ पर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। तो हेडिंग डाली कॉपी में, आप लोग सभी लोग लिखेंगे, लिखना है कॉपी में ना, सभी लोग लिखेंगे कॉपी में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसमें डेस मार के लिखोगे आप, ऐसा समीकरण, हेडिंग डालोगे द्विघात समीकरण, इसमें डेस पाड़ के लिखोगे, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात इसमें चर की अधिकतम घात दो होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 6x की घात 2 धन 5x धन 7, 8x की घात 2 ऋण 4x धन 8, लिख लो। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। लिख लिए, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। लिख लिए। अब नीचे लिखोगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां a कोमा b कोमा c संख्याएं हैं, जहां a b c संख्याएं हैं तथा x चर है। देखो होता क्या है, द्विघात समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। जैसे कि यहां पर x चर है, x यहां पर जो चर है, इस चर की अधिकतम घात यहां पर कितनी है, 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, क्योंकि चर की घात कितनी है, 2 है। तो क्या बोलेंगे इसको हम, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक, क्योंकि यहां पर घात 2 है ना, घात 2 मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, हमारा द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है, द्विघात समीकरण, ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण। यहां पर ए बी सी क्या होगी, संख्याएं होगी, और एक्स यहां पर क्या होगा, चर होगा, होगा चर। चलो अब इसी के साथ साथ ये डस्टर दो, चलो चलो उतार लिए इसको। अब इसका हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, तो सभी लोग कॉपी में लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी है ना, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल कौन सा, 1। एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला सवाल यहां पर ये कह रहा है, जान व जीवंती के पास कुल है ना, लिखना, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। सवाल स्पीड में लिख लो, बिल्कुल, पांच पांच कंचे खो देते हैं,
और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो प्रारंभ में कितने कंचे थे। यह हमारा सवाल है। यहाँ पर सवाल बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैंने क्रीडिंग ब्रीडिंग राइटिंग में लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक में भी आपको सवाल मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छी राइटिंग से लिखूंगा सवाल में, क्रीडिंग ब्रीडिंग राइटिंग से इसलिए लिखता हूँ ताकि जल्दी लिखना पड़ता है। अब इसको हम अच्छी राइटिंग से लिखेंगे हल को, है ना। देखो, जान और जीवंती, एक है जान और दूसरी उसकी बहन कौन है, जीवंती। जॉन और जीवंती, एक का नाम अंग्रेज जैसा रख दिया और एक का नाम है ना जीवंती भाई, ठीक है ना। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के कितने कंचे थे, 45। मेरे पास और एक जीवंती के पास दोनों मिला के कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। अब मुझे नहीं पता दोनों कितने कितने थे, लेकिन टोटल देखा जाए इसके और उसके दोनों को मिला करके कितने कंचे थे, 45 कंचे थे 45 कंचे। चलो हल डालेंगे, जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने कंचे थे, 45 थे। तो मैंने माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, एक्स है। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, एक्स है। यहां मान लेंगे, माना जॉन के पास किसके पास, जॉन के पास किसकी संख्या, कंचों की संख्या कितनी है, एक्स है। क्या मान के हल करेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, एक्स है। सवाल ने बोला जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो हमने मान लिया, माना जॉन के पास कितने कंचे हैं, एक्स कंचे हैं, कितने कंचे हैं, मान लिए। इसमें बाय नहीं मान सकते क्योंकि एक ही चार है, एक्स की घात 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ही चार है ना। तो यहां पर एक ही चार मानेंगे हम एक्स। तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या यहां पर कितनी है, एक्स है, कंचों की संख्या एक्स। तब सवाल में क्या दिया है, जॉन प्लस जीवंती दोनों के पास, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे है। सवाल ने क्या बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल कितने कंचे हैं, 45। अब जॉन के पास कितने कंचे हैं, एक्स कंचे माने हमने। हमने क्या माने, जॉन के पास कितने कंचे हैं, एक्स कंचे प्लस जीवंती के, पता है क्या, नहीं पता। तो जीवंती हो जाएगा, जीवंती 45 का हो गया, 45 बराबर किस तरफ, एक्स कायम में है धन में, उस तरफ कायम चल जाएगा ऋण में। क्या आएगा आपका, जीवंती के पास किसकी संख्या, कंचों की संख्या बराबर 45 का हो गया, इस तरफ एक्स धन में है उस तरफ एक्स कायम हो जाएगा ऋण में। निकाल लिए, देखो समझो, यहां पर जॉन के पास और जीवंती के पास दोनों के पास टोटल मिला कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। जॉन के पास कितना, हमने क्या मान लिए, माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, एक्स है। तो जॉन के पास एक्स कंचे रख दिए, इस तरफ एक्स धन का है उस तरफ एक्स कायम हो जाएगा ऋण का। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 ऋण एक्स, ठीक है। अब जॉन के पास कितने कंचे हैं, एक्स कंचे हैं, और जीवंती भाई के पास कितने कंचे हैं, 45 माइनस एक्स कंचे है। क्लियर इतना। अब दोनों कितने कितने कंचे घुमा दे रहे हैं, जॉन ने भी 5 कंचे घुमा दिया, खो दिया, और जीवंती ने भी कितने कंचे खो दी, 5 कंचे खो दी, है ना। तो 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे क्या करने के बाद, खोने के बाद जॉन के पास कंचे, किसके पास कंचे, जॉन के पास कंचे बराबर, सुनो
पहले जोन के पास कितने कंचे थे? एक्स कंचे थे, अपने माने ना। पहले जोन के पास कितने कंचे थे? हमने माने जोन के पास कितने कंचे थे? एक्स कंचे थे। कितने कंचे उसने घुमा दिया? पांच कंचे उसने घुमा दिया। किसने घुमा दिया? जोन ने घुमा दिया। घुमा दिया, मेरे पास 20 कंचे थे, कितने थे? 20। पांच कंचे मैंने घुमा दिया तो कितने बचे? 20 माइनस 5 बराबर 15। तो जोन के पास कितने कंचे थे? एक्स कंचे थे। कितने कंचे खो दिया उसने? पांच कंचे खो दिया, मतलब एक्स माइनस 5। ठीक है, एक्स माइनस 5 बचा, कितना बचा? एक्स माइनस 5। जोन के पास कितने कंचे थे शुरू में? एक्स कंचे थे। एक्स कंचे में से 5 कंचे उसने खो दिया, कितने बचे? 5 घुमा दिया ना, मतलब कुल मेरे पास 20 में से 5 घट जाएंगे। टोटल इसके पास एक्स कंचे थे, एक्स कंचे में से 5 कंचे इसने खो दिया, मतलब एक्स माइनस 5 हो गया, हो गया। इसी प्रकार अब निकाल लेंगे हम 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे घुमा देने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास शेष कंचे, किसके पास? जीवंती के पास शेष कंचे। जीवंती के पास कितने कंचे थे पहले? जीवंती के पास कितने कंचे थे? 45 माइनस एक्स। जीवंती के पास कितने कंचे थे? 45 माइनस एक्स, इतने ही थे। अब जीवंती ने भी कितने कंचे घुमा दी? 5 कंचे घुमा दी, तो उसके पास भी 5 कंचे क्या हो गए? कम हो गए, मतलब 5 माइनस हो गए, हो गए माइनस। बराबर का बराबर, 45 में से 5 गया, कितना बचा? 40। माइनस का एक्स का हो गया, तो अब जीवंती के पास कितने कंचे बचे? 40 ऋण एक्स। अब जोन ने 5 कंचे खो दिया और जीवंती ने 5 कंचे खो दी। अब उनके पास जो कंचे बचे, अब उनके पास बचे कंचों की संख्या जो है उसका गुणनफल कितना है? 124। अब ये समझने स्टेप बारीकी से, अच्छे समझो। यहाँ पे प्रश्नानुसार जोन ने जब 5 कंचे खो दिया तब कितने कंचे बचे उसके पास? कितने बचे? एक्स माइनस 5। जीवंती ने जब 5 कंचे खो दी तो उसके पास कितने कंचे बचे? 40 माइनस एक्स, कितने बचे? जोन और उनके पास बचे कंचों की संख्या, ये जोन के पास बचे कंचों की संख्या, ये जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या, इन संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, इन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी मल्टीप्लाई कितना है? 124 है। कितना है? 124 है। अब उनके पास बचे शेष कंचे, जोन के पास कितने कंचे बचे? एक्स माइनस 5 कंचे बचे, और जीवंती के पास कितने कंचे बचे? 40 माइनस एक्स कंचे बचे। इन बचे हुए शेष कंचों की संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, बराबर कितना है? 124 है। 124 अब गुणा कर देंगे। दो कोष्टक का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा हो जाएगा दूसरे कोष्टक से, 40 माइनस एक्स से, ठीक है। और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या माइनस 5, इसका मल्टीप्लाई भी होगा दूसरे कोष्टक से, 40 माइनस एक्स से। कोष्टक गुणा करने का नियम होता है, पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे कोष्टक से, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या ऋण 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे कोष्टक से, हो गया गुणा। बराबर का बराबर, 124 का बचा 124। अब एक्स का गुणा हम इस कोष्टक से कर रहे हैं तो एक्स का गुणा इससे भी होगा और एक्स का इससे भी होगा। एक्स का 40 से कर देंगे तो एक्स इंटू 40 बराबर क्या हो जाएगा? 40 एक्स। माइनस का इसका इससे भी होगा, एक्स इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स की घात 2, ठीक है। माइनस का माइनस, 5 का मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे, 5 4 20 और 5 0 9 ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन। ऋण गुणित ऋण धन। 5 का इससे भी कर देंगे, 5 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा? 5x बराबर का बराबर, 124 का 124, 124 का हो गया हमारा 124। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। 40x का हो जाएगा धन का 40x, धन 5x का हो जाएगा धन का 5x, ऋण 200 का हो जाएगा ऋण का
200 बराबर 124 का 124 हो गया यहाँ पर। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद एक्स वाले से हल हो गया, संख्या संख्या से हल होती है और एक्स स्क्वायर वाले से हल होता है। 40x और 5x कितना जाएगा, 40 और 5 45x कितना जाएगा, 45x प्लस ऋण 200 का यहाँ पर क्या जाएगा, ऋण का 200 बराबर किस तरफ 124 कायम में है, धन में है, इस तरफ लाइन कायम हो जाएगा, ऋण में जाएगा पक्षांतर करने पर। 124 धन का है, इस तरफ आएगा तो 124 का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। बराबर का हो गया बराबर, यहाँ कितना बचेगा, जीरो बचेगा, बचेगा माइनस एक्स की घात 2 का हो गया माइनस एक्स की घात 2, 45x का हो गया धन का 45x, 200 भी ऋण का और 124 भी ऋण का, ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है, ऋण का। तो 4 और 0 को जाएगा 4, 2 और 0 को जाएगा 2, 2 एक हो जाएगा यहाँ पर 3 और चिन्ह काय का आएगा, ऋण का। बराबर 0 का हो गया 0, हो गया जीरो। अब सामने से अगर हमको ऋण हटाना है, सामने से हटाना है तो ऋण का गुणा कर दो, और ऋण का अगर गुणा करोगे इस तरफ तो जीरो में ऋण का गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, इस तरफ ऋण का गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या होंगे, पलट जाएंगे। ऋण वाला धन का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, धन वाला ऋण का 45x का 45x, ऋण वाला धन का कितना 324 बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया, हो गया जीरो, हुआ कि नहीं हुआ, कितना हो गया जीरो हो गया। और यही क्या बन गया हमारा यहाँ पर बीजीय समीकरण बन गया, क्या बन गया बीजीय समीकरण। इसको नोट कर लो कॉपी में, इसको उतार लो ना कॉपी में, इसको देखो। इसी का दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल आप बुक में देखोगे, बुक में खोल करके, ठीक है। मैंने सवाल ऐसे समझाने के लिए लिखा हूँ है ना, ताकि आपको समझ में जाए, कोई बहुत समझने के लिए लिखा हूँ, सवाल बुक में समझोगे ना। देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, एक छोटा सा उद्योग है, एक छोटी सी कंपनी, एक छोटी सी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है, हो सकता है 50 खिलौने बनाए, 60 खिलौने बनाए, 70 क्या बनाए, खिलौने बनाए, कुछ क्या बनाता है, खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब हर एक खिलौने की कीमत, हर एक खिलौने का प्राइस, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। अगर हमको एक खिलौने की क्या निकालना है, कीमत निकालना है कि एक खिलौना कितने रुपए का है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, कितने रुपए का है, तो 55 में से अगर हम एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हम घटा दें तो क्या निकल जाएगा, हर एक खिलौने का मूल्य निकल जाता है। यदि किसी दिन कुल निर्माण लागत कितने रुपए थी, 750 रुपए थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करो। अगर एक दिन हमने खिलौने बनाए, बहुत सारे के बनाए खिलौने बनाए, और उस दिन पूरे खिलौने बनाने में हमको कितने रुपए लगे, कितने लगे, 750 रुपए लगे, कितने लगे, एक दिन हमने कुल खिलौने बनाए तो एक दिन हमको कुल खिलौने बनाने में कितने रुपए लगे, 750, ठीक है। तो उस दिन खिलौने की संख्या कितनी रही होगी, हमने कितने खिलौने बनाए होंगे ये बताना है, क्या याद करना है, उस जिस दिन हमको खिलौने बनाने में कितने रुपए लगे, 750 रुपए लगे, कितने लगे, 750 रुपए लगे, उस दिन खिलौने का मूल्य क्या था, कितने रुपए, कितने खिलौने, हम खिलौने की संख्या कितनी थी है ना, कितने हमने खिलौने बनाए, क्या याद करना है, उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या। गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान के हल करते, तो हम मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या एक्स है, क्या मान लेंगे, यहां पर हम हल डाल के यहां पर हम मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर कितनी है, एक्स है। उस दिन कितने खिलौने बनाए गए, एक्स खिलौने बनाए गए, कितने खिलौने बनाए गए,
एक्स खिलौने बनाए गए, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे एक खिलौने का मूल्य कितना है, प्रत्येक खिलौने का हम क्या निकाल लेंगे, मूल्य। अब हम क्या निकालेंगे, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या निकालेंगे हम, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, समझो पहले बारीकी से, है ना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो क्या है, अगर 55 में से कितने में से, पहले समझो फिर लिखना ना, कितने में से 55 में से, कितने में से 55 में से अगर एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को हम घटा दें, एक दिन में हमने कितने खिलौने बनाए, एक दिन में हमने कितने बनाए खिलौने, एक्स खिलौने बनाया ना हमने, मान ली एक्स। अगर 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, एक दिन में कितने खिलौने बनाए हमने, एक्स। 55 में से अगर एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या एक्स को अगर हम घटा दें, क्या कर दें, घटा दें, अगर 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या एक्स को हम क्या कर दें, घटा दें, तो हमें क्या मिल जाता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य मिल जाता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 माइनस एक्स क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने की कीमत कितनी है, 55 माइनस एक्स रुपए, एक खिलौने कितने रुपए का आ रहा है, 55 माइनस एक्स रुपए का एक खिलौने आ रहा है। एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स है, ठीक है। कुल निर्माण लागत कितनी थी, एक खिलौना कितने रुपए का है, 55 माइनस एक्स रुपए का है, एक खिलौना है 55 माइनस एक्स रुपए का, तो टोटल जितने भी हमने खिलौने बनाए वो कितने रुपए के होंगे, एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो 10 चॉकलेट कितने रुपए की, 50 रुपए होगी, गुणा करे तुमने 5 गुणी 10 कर दिए तो 50 रुपए हो गया। उसी प्रकार अब हम निकाल लेंगे तब कुल खिलौनों का मूल्य, किसका मूल्य, कुल खिलौनों का मूल्य, कुल खिलौनों का मूल्य बराबर, अब हम क्या निकाल लेंगे, कुल खिलौनों का मूल्य, कुल खिलौने कितने रुपए के हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब सुनो, एक खिलौना कितने रुपए का, 55 माइनस एक्स रुपए का, एक खिलौना कितने रुपए का, 55 माइनस एक्स रुपए का है, 55 माइनस एक्स रुपए का, एक चॉकलेट कितने रुपए की, 5 रुपए की, तो 10 चॉकलेट कितने रुपए की, 5 गुणित 10। उसी प्रकार एक खिलौना कितने रुपए का, 55 माइनस एक्स रुपए का, और हमारे पास कुल कितने खिलौने हैं, एक्स खिलौने हैं, खिलौनों की संख्या कितनी है, एक्स है, एक खिलौना 55 माइनस एक्स रुपए का, तो एक्स खिलौने कितने रुपए के हो जाएंगे, 55 माइनस एक्स गुणा एक्स रुपए के, गुणा कर देंगे दोनों का, एक चॉकलेट 5 रुपए की, 10 चॉकलेट, 10 गुणित 5 रुपए की, 10 पंचे 50 रुपए की, तो एक खिलौना 55 माइनस एक्स रुपए का, तो एक्स खिलौने कितने हो जाएंगे, 55 माइनस एक्स इंटू एक्स रुपए के हो जाएंगे। तो ये क्या है, कुल खिलौने का मूल्य क्या है, और कुल खिलौने का मूल्य कितना है, 750। कुल खिलौने का मूल्य कितना है, 750 है ना, कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 है। कुल खिलौने का मूल्य कितना है, 750 बराबर का बराबर, ये हो गया आपका 55 माइनस एक्स इंटू कितना है यहाँ पर, ये एक्स, 750 का हो गया 750 बराबर, एक्स का गुणा कोष्टक से हो रहा, तो एक्स का इससे भी होगा और एक्स का इससे भी होगा, एक्स का 55 से कर देंगे, एक्स इंटू 55 बराबर क्या हो जाएगा, 55x माइनस का इसका इससे भी होगा, एक्स इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2 बराबर, किस तरफ, एक्स की घात 2 ऋण का है, इस तरफ लाओगे तो एक्स की घात 2 धन का, बराबर किस तरफ, 55x धन का है, इस तरफ लाओगे तो 55x काय का ऋण का, 750 हो जाएगा धन 750, ये सब इस तरफ आ गए तो इस तरफ से कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। और यही हो गया यहाँ पर हमारा क्या आंसर, ये समीकरण यहाँ पर हमने जमा लिए, उतार लो इसको। यहाँ पर हमारा अगला सवाल क्या बोल रहा है, जांच करो कि, आपको जांच करके बताना है,
क्या याद करना है आपको यहाँ पर कि निम्न समीकरण जो आपको दिए गए, ये वाला समीकरण, ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो समीकरण आपको ये दिया गया है, ये समीकरण कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसकी क्या करके बताना है, जांच करके बताना है। तो पहला यहाँ पर हम करेंगे, हल करेंगे। क्या दिया पहला समीकरण, x ऋण 2 की होल घात 2 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। क्या जांच करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है, हल करना सीखो। x ऋण 2 की होल घात 2 है मतलब दो बार मल्टीप्लाई, x ऋण 2 इंटू x ऋण 2, x ऋण 2 की होल घात 2 है मतलब दो बार मल्टीप्लाई, x ऋण 2 इंटू x ऋण 2, प्लस 1 का हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 2x का माइनस 3 का माइनस 3। अब x ऋण 2 का मल्टीप्लाई x ऋण 2 से हो रहा है, कैसे करोगे, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा भी दूसरे कोष्टक से। पहले कोष्टक की पहली संख्या यहाँ पर क्या है x, इसका मल्टीप्लाई जाएगा इस कोष्टक से, ये कोष्टक है आपका x माइनस 2, और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है ऋण का 2, इसका मल्टीप्लाई जाएगा इस कोष्टक से x ऋण 2 से, प्लस 1 का प्लस का 1 बराबर का 2x का 2x और माइनस 3 का माइनस 3। अब इसका गुणा इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, x इंटू x बराबर क्या हो जाएगा x की घात 2 माइनस का x इंटू 2 का क्या हो जाएगा 2x, ऋण का हो गया ऋण 2 इंटू x का 2x, ऋण गुणित ऋण धन 2 दूनी 4 प्लस 1 का प्लस का 1, इस तरफ 2x धन का है, इस तरफ लागू तो 2x ऋण का, इस तरफ 3 ऋण का है, इस तरफ 3 का क्या हो जाएगा धन का, यहाँ से कितना बचेगा 0 बचेगा, x की घात 2 का हो गया x की घात 2, 2x भी ऋण का, 2x भी ऋण का, 2x भी ऋण का, ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है ऋण का, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x, चिन्ह काय का आएगा ऋण का, 4 और 1 5 और 3 8, धन का कितना हो गया 8 बराबर 0। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और मैंने अभी बताया था जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, चर यहाँ पर x है ना, तो चर x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है घात 2, चर की अधिकतम घात कितनी है, x की घात 2 लिखा ना, 2 है, अतः क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। समझ में आया क्यों है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, है। अब अगले की जांच करेंगे हम, दूसरे नंबर की, इसकी भी जांच करेंगे, मतलब कुल मिला के इसको हल कर लो, काटा पीटी जो करना वो कर लो, लास्ट में सरल कर लो। अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, और घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं। अब दूसरा हल करेंगे, दूसरा यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा दिया है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस कितना है 8 बराबर है यहाँ पर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसकी हम जांच करेंगे, x का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, x इंटू एक्स बराबर x की घात 2 प्लस x से कम x प्लस 8 का हो गया 8। सूत्र कौन सा लग जाएगा, a धन b इंटू a ऋण b, a धन b इंटू a ऋण b बराबर क्या हो जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2, यही होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो गया a की घात 2 माइनस b की घात 2, a मतलब शुरू वाला x और b मतलब 2, ठीक है। अब x स्क्वायर बराबर किस तरफ भी x स्क्वायर है, बराबर किस तरफ भी क्या है, तो इधर के x स्क्वायर से इधर के x स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा x प्लस 8 बराबर ऋण का हो गया 2 की घात 2 2 दूनी x धन 8, इस तरफ 4 ऋण का है, इस तरफ हो जाएगा 4 धन का बराबर बचेगा 0, x धन 8 4 हो गया 12 बराबर 0। क्या यहाँ पर घात 2 है,
तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखोगे? चूंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक समीकरण होता है, होता है व्यापक समीकरण के रूप बराबर जीरो के रूप का नहीं है, है क्या? क्योंकि यहां पर व्यापक द्विघात के समीकरण में घात कितनी होती है? दो होती है, और यहां घात दो है क्या? नहीं है। ये इस रूप का है क्या? नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्या लिख लोगे? अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। जो दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है। है क्या द्विघात समीकरण? नहीं है। लिखो, जल्दी लिखिए। तो अगला सवाल, अगला इसकी जांच करना है तीसरे नंबर की, कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उसकी जांच करूंगा मैं, है ना। तो तीसरे का क्या करेंगे, यहां पर हम हल करेंगे। क्या दिया समीकरण? x इंटू टू एक्स प्लस थ्री बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और एक्स का इससे भी होगा। दो का हो गया दो, एक्स इंटू एक्स बराबर हो जाएगा एक्स की घात दो। प्लस का हो गया प्लस, एक्स इंटू थ्री बराबर क्या हो जाएगा? थ्री एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वन का हो गया वन। दो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर बराबर किस तरफ? एक्स स्क्वायर का आएगा है धन का है, इस तरह लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का आएगा हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, धन का हो गया धन, तीन एक्स का हो गया तीन एक्स, इस तरफ एक धन का है, इस तरह लगाओगे तो एक आएगा हो जाएगा ऋण का, और बराबर कितना बचेगा? जीरो बचेगा। दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, कितना बचेगा? एक एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो लड़के में से एक लड़का गया, कितने लड़के बचे? एक लड़का बचा ना, तो दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, कितना बचा? एक एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, थ्री एक्स का क्या जाएगा यहाँ पर? थ्री एक्स, माइनस वन का माइनस वन बराबर जीरो। यहाँ पर एक्स की घात दो है एक्स की घात दो है ना, एक्स की घात दो। तो क्या लिखोगे? चूंकि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का है, अतः यह क्या है? द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि ये घात दो यहां पर भी और घात दो यहां पर भी है, तो घात दो वाले के रूप में है ना, घात दो वाले के रूप में मतलब द्विघात समीकरण है, ठीक है। घात दो के रूप में है मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है द्विघात समीकरण। इसी प्रकार अगला जो है चौथा सवाल, चौथा क्या बोल रहा है? x प्लस दो की होल घात तीन बराबर x की घात तीन माइनस चार, इसकी भी जांच करना है। यहाँ पर घात तीन है तो उसको कैसा करेंगे अपन? इसका तीन बार गुणा कर दो। x प्लस दो की होल घात तीन है, x प्लस दो इंटू x प्लस दो इंटू x प्लस दो बराबर x की घात तीन का हो गया x की घात तीन माइनस चार का हो गया माइनस चार। इसकी घात तीन है, कोष्टक की घात तीन मतलब कितने बार गुणा? एक दो तीन बार गुणा। अब इन दोनों गुणा कर दो। दो कोष्टक का गुणा कैसे होगा? पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, फिर दूसरी संख्या दो का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, कर दिए ठीक है। दो कोष्टक का गुणा हो गया यहाँ पर, पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा हो गया दूसरे कोष्टक से, और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या प्लस टू इसे गुणा भी किससे हो गया? दूसरे कोष्टक से हो गया। इसके बाद ये कितना लिखा है यहाँ पर? x प्लस टू बराबर x की घात कितनी यहाँ पर? तीन माइनस चार, x की घात तीन माइनस चार, ठीक है। इसके बाद x का गुणा आप इस कोष्टक से कर रहे हो, x का इससे भी होगा और x का इससे भी होगा। x इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? x की घात दो प्लस x इंटू दो बराबर क्या हो जाएगा? दो एक्स, दो इंटू एक्स बराबर दो एक्स प्लस दो दूनी चार, ये कितना है आपका? एक्स धन दो बराबर कितना है? एक्स की घात तीन माइनस चार।
एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर, दो एक्स और दो एक्स चार एक्स, प्लस कितना हो गया चार, ये कितना लिखा है आपका एक्स प्लस दो बराबर कितना है एक्स के साथ तीन माइनस चार। अब इसका गुणा किससे हो रहा है, इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब इसके शुरू वाला एक्स का मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से होगा और दो का मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से होगा, है ना। इस कोष्टक का प्रथम पद क्या है एक्स, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा इस कोष्टक से, एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार से, ठीक है। पहले कोष्टक की पहली संख्या एक्स, इसका गुणा कर दिया हमने इस पूरे कोष्टक से। इसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है प्लस का टू है, प्लस का टू, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है प्लस का टू, इसका मल्टीप्लाई भी किससे होगा इस कोष्टक से हो जाएगा। और ये कोष्टक यहाँ पर क्या है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार बराबर का बराबर, एक्स की घात तीन का एक्स की घात तीन, माइनस चार का माइनस चार, ठीक है। गुणा करते आना चाहिए, पहले कोष्टक की पहली संख्या एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर दी इस कोष्टक से, फिर दूसरी संख्या प्लस का टू, इसका गुणा भी जाएगा इस पूरे कोष्टक से, हो गया गुणा। अब इसका इससे कर देंगे एक्स की एक्स इंटू एक्स की घात दो क्या हो जाएगा एक्स की घात तीन, धन का धन, चार का हो गया चार, एक्स इंटू एक्स एक्स की घात दो, धन का हो गया धन, एक्स इंटू चार बराबर क्या हो जाएगा चार, इससे इसका कर दिया ये हो गया, इससे इसका कर दिया ये हो गया, इससे इसका कर दिया जी हो गया, हो गया गुणा। सिंपल गुणा कर रहा हूँ मैं, बारीकी समझना, प्लस का हो गया प्लस, इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, टू इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस, दो चौक कितना हो जाएगा आठ, एक्स का हो गया एक्स प्लस, दो चौक कितना हो जाएगा आठ बराबर, एक्स की घात तीन का हो गया एक्स की घात तीन, माइनस चार का माइनस चार बराबर, किस तरफ भी एक्स की घात तीन है बराबर, किस तरफ भी क्या है एक्स की घात तीन, एक्स की घात तीन से एक्स की घात तीन क्या हो गया, क्योंकि इस तरफ धन में है, इस तरफ लागू त्रिकोण में हो जाएगा, और घात तीन में से घात तीन का जीरो बचेगा ना, इसलिए बराबर किस तरफ की एक्स की घात तीन से बराबर किस तरफ का एक्स की घात तीन क्या हो गया कट गया। अब घात दो वाले से हल होगा, एक्स वाले से हल होगा, और संख्या संख्या से हल होगी, संख्या किससे हल होगी संख्या से, एक्स की घात तीन से कौन कट गया एक्स की घात तीन क्या हो गया कट गया, चार एक्स की घात दो और दो एक्स की घात दो कितना हो जाएगा, अरे चार एक्स की घात दो और दो एक्स की घात दो कितने एक्स की घात दो छः एक्स की घात हो जाएगा, चार लड़के और दो लड़के कितने लड़के, तो चार एक्स की घात दो और दो एक्स की घात दो कितना हो जाएगा छः एक्स की घात दो। अब चार एक्स और आठ एक्स कितना हो जाएगा बारह एक्स, अब संख्या में कितना बचा है यहाँ पर आठ, धन का आठ बराबर किस तरफ चार कायम है ऋण में, इस तरफ चार कायम हो जाएगा धन में, इस तरफ कुछ नहीं बचा मतलब कितना बचा जीरो, छः एक्स की घात दो का हो गया छः एक्स की घात दो प्लस बारह एक्स का हो गया प्लस का बारह एक्स, आठ चार कितने होंगे बारह बराबर कितना है जीरो। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है है दो, मतलब द्विघात समीकरण है, क्या लिखोगे यहाँ पर, चूंकि चर की अधिकतम घात दो है अतः द्विघात समीकरण है, लिखो इसको अतः यहां लिख देना द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, उतार उसको स्पीड में। देखो एग्जाम्पल नंबर तीन यहां पर क्या बोल रहा है, गुणनखंड द्वारा, किस विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा, दो एक्स की घात दो ऋण पांच एक्स धन तीन बराबर जीरो, ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस द्विघात समीकरण की क्या ज्ञात करना है मूल। कई बार बोलता है मूल ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, सबको मान एक ही है, मूल ज्ञात करो मतलब एक्स, एक्स की घात कितनी है यहाँ पर, एक्स की घात दो है ना, मतलब एक्स के दो मान निकलेंगे, कितने मान निकलेंगे उन दो मानों को ज्ञात करना है, उन दो मानों को ज्ञात करना है, अभी लिखो मत अभी समझो ना, यहाँ पर हम भी डालेंगे हल, पेपर में आते इस टाइप के सवाल, और ये गुणनखंड विधि द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, गुणनखंड विधि से किसी भी समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, अगर आपको एक बार विधि समझ में आ गई तो पूरे सवाल समझ में जाएंगे, और विधि समझ में नहीं आई तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला, विधि को समझो ठीक है, संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन मेथड वही रहेगी, मेथड पकड़ो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सवाल आपका, दो एक्स की घात दो माइनस पाँच एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, इसके हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है, निकालना है मूल,
दो एक्स की घात दो का हो गया, दो एक्स की घात दो प्लस थ्री का हो गया, हो गया। बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ो, बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने हल करने में कितना आए, पांच आए, कितना आए, पांच एक्स कितना आए, और गुणा करने पर वही संख्या आए जो कि शुरू वाला और लास्ट वाले गुणा करने पे आ रहा है। शुरू वाला दो और लास्ट वाला तीन का मल्टीप्लाई करो, दो दिए कितना होता है, तो पांच एक्स को दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर पांच आए और गुणा करने पर कितना आए, छः आए। तीन और दो, तीन और दो को जोड़ोगे तो तीन और दो कितने जाएंगे, पांच जाएंगे। तीन और दो को जोड़ोगे तो तीन और दो कितने हो गए, और तीन में दो को गुणा करो, तीन दूनी कितना हो गया, हो गया छः, हो गया छः, ठीक है। पाँच एक्स तोड़ेंगे, तीन एक्स और दो एक्स, तीन एक्स और दो एक्स कितने जाएंगे, पाँच एक्स, और तीन दूनी कितना हो गया, छः। दिमाग लगाओ, है ना, पाँच एक्स को हम तोड़ सकते हैं तीन एक्स और दो एक्स के रूप में, तोड़ दिए। अब चिन्ह कौन से लगाना है, यहाँ पर ऋण है तो हम इन दोनों को जोड़ना है, तो इसके सामने भी ऋण लगा दिए, इसके सामने भी ऋण, क्योंकि हमको गणित का नियम पता है, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, और चिन्ह काय का आता है, ऋण का। बराबर जीरो हो गया, बराबर जीरो। अब सिर्फ इन दोनों को देखो, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पास है, दो इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तीन इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, एक्स इसके पास भी है और एक्स एक्स दोनों के पास है, तो दोनों के पास से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, एक्स कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों के पास से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे। दो का हो गया दो, दो एक्स में से एक एक्स निकल गया, कितने एक्स बचेंगे, बचे गए एक एक्स, माइनस का माइनस। तीन एक्स में से यहां पर क्या हुआ, एक्स निकल गया, कौन निकल गया, एक्स निकल गया, तो यहां पर सिर्फ कितना बचेगा, तीन बचेगा। इन दोनों के पास से हमने एक्स कॉमन निकाल लिए, दो का बचा दो, दो एक्स में से एक एक्स निकल गया, कितने एक्स बचे, एक एक्स, माइनस का माइनस, एक्स बाहर निकल गया, सिर्फ कितने बचे, तीन। इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकालोगे, ऋण का एक कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकालोगे, ऋण का एक। इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकालोगे, ऋण का एक। अब यहां से ऋण बाहर निकला तो चिन्ह क्या होंगे, पलट जाएंगे, ऋण वाला धन का, धन वाला ऋण का, ऋण निकाल गया तो यहां पर सिर्फ कितना बचेगा, दो एक्स, ऋण वाला हो गया धन का और धन वाला ऋण का, तीन का बचा तीन, बराबर कितना, जीरो। जब कभी भी ऋण कॉमन निकालोगे चिन्ह पलट देंगे, ऋण वाला धन का, धन वाला ऋण का। दो एक्स माइनस तीन यहां पर भी है, दो एक्स माइनस तीन यहां पर भी है, दोनों के पास से कॉमन निकालेंगे, दो एक्स माइनस तीन, दो एक्स माइनस तीन निकल गया सिर्फ कितना बचेगा, एक्स, दो एक्स माइनस तीन निकल गया कितना बचेगा, ऋण का एक, और बराबर यहां पर कितना है, जीरो। बराबर में कितना है, जीरो। और आपको यहां पर समझ में, बराबर में कितना है, जीरो। एक बार इसके बराबर भी जीरो ले लेंगे, एक बार इसके बराबर भी जीरो। यहां पर कितना है, दो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो और कोमा एक्स माइनस एक बराबर भी कितना, जीरो। यहां से एक्स का मान निकाल लेंगे, दो एक्स का हो गया दो एक्स, बराबर किस तरफ, तीन ऋण का है, उस तरफ तीन काय का हो जाएगा, धन का, एक्स का हो गया एक्स, बराबर किस तरफ, एक ऋण का है, उस तरफ एक काय का हो जाएगा, धन का, एक्स बराबर तीन का हो गया तीन, बराबर किस तरफ, दो जो है वो एक्स के गुणा में है, पक्षांतर करोगे दो काय में जाएगा, बटे में, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक, और यही क्या हो गया आपके यहाँ पर, आंसर हो गया, ठीक है। तो दो मूल कौन कौन से आ गए, तीन बटे दो और एक है, लेकिन अतः समीकरण के मूल तीन बटा दो कोमा एक है, लिख लोगे, अतः समीकरण के मूल क्या क्या है, तीन बटे